वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने शॉपिफाई के डैशबोर्ड के बारे में देखा कि शॉपिफाई के डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि हमने शॉपिफाई के बीच में प्रोडक्ट किस तरह ऐड करना है, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे हमारी वेबसाइट खाली खाली ही दिखाई दे रही होगी, और अगर हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे या डिज़ाइन करेंगे तो हमें पता नहीं चल रहा होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है और प्रोडक्ट कैसे शो हो रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट हैं उनको ऐड करना होगा। तो उसके लिए आपके सामने यहाँ पर ये बटन दिखाई दे रहा है ऐड प्रोडक्ट के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, प्रोडक्ट पेज। सबसे ऊपर टाइटल शो हो रहा है, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ अली एक्सप्रेस के नाम से, ताकि आपको ईजीली समझ आ जाएगी कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या देना है और डिस्क्रिप्शन क्या देनी है। तो यहाँ पर मैं अली एक्सप्रेस ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मैन टी शर्ट्स के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हम सैंपल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ले लेंगे। तो लेट्स सपोज के यहाँ पर मैं इसी को, फर्स्ट वाली को ही ले लेता हूँ। तो इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका टाइटल है। आपका टाइटल कोई भी हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट के हवाले से होगा। यहाँ पर ये टी शर्ट है और इसका टाइटल ये वाला है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, अपने टाइटल में इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये बहुत बड़ा टाइटल है, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर एक टी शर्ट के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स को वो साथ जोड़ देते हैं, ताकि उसका जो सर्च रिजल्ट है वो आपको दिखाई दे। लेकिन ये आपका अपना स्टोर है, ये आपका अपना ब्रांड है, यहाँ पे आप डिफरेंट कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। वो डिफरेंट जो कीवर्ड होंगे वो आप SEO के ऑप्शन में यूज़ करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, टाइटल के ऊपर यूज़ नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आपका जो स्टोर होगा उसकी लुक बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी, और बिल्कुल वो यानी कि इतना रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, यूज़र रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, और यूज़र उसके ऊपर अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है क्या आप अपना जो प्रोडक्ट है उसके टाइटल बिल्कुल शॉर्ट रखें। जैसे कि ये टी शर्ट है तो आप इसका कोई भी नाम रख दें, जैसे हमारे स्टोर का नाम है गीगा शर्ट फॉर मैन। तो यहाँ पर टी शर्ट है तो यहाँ पर हम टी शर्ट, और यहाँ पे अगर आप कोई साथ नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि कोई आर्टिकल का नाम लिखना चाहते हैं, गीगा DW21, जस्ट एक नेम होता है, और ये वर्ड जो हैं वो कुछ नहीं होते, जस्ट एक नाम होते हैं या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो गीगा DW1 टी शर्ट फॉर मैन, ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारी टी शर्ट्स होती हैं, और बहुत सारी टी शर्ट्स हम बार बार टी शर्ट नहीं लिखते, तो उसमें हम कुछ यूनिक सा नेम लिख देते हैं। तो ये मैंने इसका टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पर हमें इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो नीचे आएँ अगर, तो यहाँ पे आपको ये इसकी कंप्लीट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ओवरव्यू में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ये इसको, यानी कि ये अली एक्सप्रेस है तो उसने बताया हुआ है कि हम ये वाली चीज़ों को सेल कर रहे हैं, और उसने इसके बारे में कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बताई हुई। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट लैदा होगा और प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर देंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद यहाँ पर मीडिया है, मीडिया का मतलब जो पिक्चर्स वगैरह हमने इसकी ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे जाके इसकी पहले ये पिक्चर्स जो हैं इसको सेव करूँगा, और एक ये देखें ये पिक्चर हमारे पास सेव नहीं हुई, तो क्योंकि वो अली एक्सप्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप पिक्चर सेव नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर सिंपली गूगल के ऊपर जाता हूँ और टी शर्ट्स सर्च करता हूँ, और यहाँ पर डिफरेंट आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगे। तो इनमें से मैं कोई भी पिक्चर्स साथ सेव करता जाता हूँ। दो या तीन पिक्चर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, आप तीन से चार पिक्चर ऐड जो हैं वो कर सकते हैं अपने स्टोर के लिए, और बेस्ट होता है कि हाई क्वालिटी इमेज आप इसमें ऐड करें। तो यहाँ पर मैं मीडिया में ये जो दोनों फाइल्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पे ऐड फाइल पे या जो न्यूली डाउनलोड की हैं हम इनको ड्रैग करके भी डाउनलोड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ऐड कर दी। अच्छा अब यहाँ पे प्राइसिंग है, प्राइस आपने क्या लिखनी है, प्राइस इसकी जो भी होगी, अगर आपने अपने स्टोर की जो करेंसी है वो डॉलर में सेलेक्ट की है तो आप डॉलर के हिसाब से लिखेंगे, अगर आपका लोकल स्टोर यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही है तो फिर आप अपने जो है वो करेंसी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपका जो स्टोर है आपकी करेंसी डॉलर में ही है और आपके स्टोर के ऊपर फर्स्ट परचेज हो गई है तो आपकी करेंसी लॉक हो जाएगी, वो बाद में चेंज नहीं होगी। फिर चेंज करने के लिए आपको कस्टमर केयर सेंटर से रब्ता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्राइस लिख देता हूँ। ओके, कंपेयर्ड प्राइस का जो मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट की जो मेन प्राइस है ये है कंपेयर्ड प्राइस, इसको मैं 450 कर देता हूँ। तो 4550 मतलब प्रोडक्ट जो है वो 550 का है लेकिन उसकी प्राइस अभी क्या है 431, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेल लग जाएगी कि इसके प्रोडक्ट के ऊपर ये सेल है। अब यहाँ पे मार्जिन वगैरह आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, यानी कि आपके अपने लिए आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए 431 की है लेकिन ये एक्चुअल बनी कितने की है, तो यहाँ पर वो आप कास्ट जो है वो प्रोडक्ट की लिख सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो कस्टमर को शो नहीं होंगी, ये जस्ट आपके अपने लिए अपने इंफॉर्मेशन के लिए है कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है और इसके ऊपर मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपकी कंट्री में पाकिस्तान में आपकी जो कंपनी है या ब्रांड है उससे टैक्स लिया जा रहा है तो आप यहाँ पर टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और ये टैक्स की सेटिंग, टैक्स की जितनी भी सेटिंग होगी वो सेटिंग के ऑप्शन में जाके होगी कि आप कितने परसेंट प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लेना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसको अनचेक कर देते हैं क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है अभी। SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल आपने तैयार किया है टी शर्ट का, तो उस टी शर्ट में आपने 1000 टी शर्ट्स बनाई हैं तो उसको एक आप नाम दे देंगे, वो जो टी शर्ट हमने ऊपर लिखी DW तो यहाँ पे हम DW 1000 लिख देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो स्टॉक मौजूद है वो 1000 DW शर्ट का 1000 स्टॉक मौजूद है, तो ये कोई परचेज होगी शर्ट आपकी तो फिर ये 999 रह जाएगा, फिर कोई परचेज होगी तो ये स्टॉक आपका कम होता जाएगा और ये क्वांटिटी ट्रैक करता जाएगा क्वांटिटी को, अगर आप अनचेक कर देंगे तो आपकी क्वांटिटी को ट्रैक नहीं करेगा। नीचे आप ऑप्शन दे रहे हैं कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका ये SKU यानी कि स्टॉक ख़त्म हो गया तो आपका स्टोर फिर भी चीज़ें सेल कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि जब कोई स्टॉक ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे बाय का बटन बंद होना चाहिए, यहाँ पे हम इसको अनचेक ही रखेंगे। बारकोड का मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेशनल सेलिंग कर रहे हैं और ये ज़रूरी भी होता है, मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो बारकोड के बगैर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, तो इसलिए बारकोड यानी कि आपने डिफरेंट किस्म के वो QR कोड देखे होंगे प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो कस्टम वाले आपके प्रोडक्ट स्कैन करते हैं और उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तो इसलिए आपका अगर स्टोर है उसमें बारकोडिंग का ऑप्शन मौजूद है, कोई वो ऐसा सिस्टम आपने बारकोड का लगाया हुआ है तो वो बारकोड भी आप यहाँ पे सीरीज ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, क्वांटिटी जो है हमारे पास ये जो शर्ट है इसकी 1000 अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम 1000 लिख देंगे। सॉरी, शिपिंग क्या ये फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर वर्चुअल प्रोडक्ट है, अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो इसको आप चेक करेंगे बिकॉज जब कोई सेल करेगा तो आपने इसको शिप करना है, आपने उसको उस कस्टमर तक डिलीवर करना है। अगर आप अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कोई ऑनलाइन लेक्चर सेल कर रहे हैं या फिर वीडियो सेल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, तो फिर आप इसको अनचेक कर देंगे क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहीं से ही डाउनलोड हो जाएगा। ओके, हो गया। उसके बाद वेट क्या है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें, ज़रूरी नहीं है। कंट्री रीजन आपकी मर्जी है, अगर लोकल सेल कर रहे हैं तो इनके पाकिस्तान ही है तो पाकिस्तान के अंदर बार बार आपको कंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, आप अपनी सेटिंग में जाके एक दफ़ा पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे तो वो हर प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर हार्मोनाइज सिस्टम HS कोड होते हैं, ये भी इंटरनेशनल सेलिंग के लिए होता है, इंटरनेशनल सेलिंग के लिए, और मैनुअली आप कोई भी HS कोड रख सकते हैं जस्ट अपने प्रोडक्ट को रिकग्नाइज करने के लिए, तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी छोड़ दें। अब जो वेरिएंट है, वेरिएंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन
इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक DW शर्ट बनाई है, उसमें कलर कौन कौन से हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब कलर और साइज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट अगर आप लार्ज साइज़ ही रख रहे हैं तो यहाँ पर आप लार्ज साइज़ ऐड कर देंगे। मीडियम साइज़ भी है तो यहाँ पर आप M के साथ मीडियम, या फिर स्मॉल साइज़ है तो स्मॉल भी, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर XL है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइज़ पर आप ये साइज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब अनदर वेरिएंट के बीच में हम कलर भी ऐड करना चाहते हैं। ये शर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है, यानी कि जो लार्ज साइज़ है वो आपका ब्लैक में भी अवेलेबल है, उसके बाद ये आपका वाइट में भी अवेलेबल है, सॉरी ये ब्राउन में भी है, और ये जो है वो ग्रीन में भी है। जितने कलर होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो सारे प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास साइज़ के हिसाब से आ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि साथ साथ आपने इन चीज़ों की क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखनी है, यानी कि जो लार्ज ब्लैक है उसकी 1000 आ गई है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, तो ये भी आप यहाँ पे 1000 कर दें, आपकी मर्ज़ी है, वो जितनी भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे ऐड करनी होगी। ये वेरिएंट में लाजमी आपने करना है, अदरवाइज़ आपकी जो क्वांटिटी है वहाँ पर ज़ीरो शो होगी और आपका जो मीडियम साइज़ है वो आउट ऑफ स्टॉक शो होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके साथ भी आप ये सारी चीज़ों को करेंगे, राइट, ये सारी चीज़ों को आप कर लेंगे। लाइक इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ और ये हो गया। नेक्स्ट है जी आपका सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, वो आपको किस तरह दिखाई देना चाह रहे हैं, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका प्रोडक्ट अगर गूगल के ऊपर शो जब सर्च कोई करता है तो वो किस तरह का दिखाई दे, तो यहाँ पर आप इसके जो SEO है उसका टाइटल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। गीगा DW1 टी शर्ट फॉर मैन, आप यहाँ से इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं आप करना चाहें तो। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं, कितनी बड़ी आप डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना चाहते, या बीच में कोई कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इस SEO में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये आपके ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। ये आपकी डिस्क्रिप्शन को चेंज नहीं करेगा, ये जस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे आप जो है अपनी मर्ज़ी का URL यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। तो ये तो हो गया आपका मेन पेज। अब आ जाएं राइट साइड की साइड बार के ऊपर, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस क्या है, फ़िलहाल ये ड्राफ्ट में है, हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक्टिव कर देंगे। एक्टिव के साथ यहाँ पर वो कह रहे हैं सेल चैनल एंड ऐप्स, तो यहाँ पर आप किन किन जगहों पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो मैं शॉपिफाई का प्रोडक्ट फेसबुक के ऊपर भी सेल करना चाहता हूँ, मैं ईबे के ऊपर भी सेल करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें तब ऐड होंगी जब आप एप्लीकेशंस ये वाली ऐड कर देंगे। तो अभी हमारे पास जस्ट अपना स्टोर ही है शॉपिफाई का जिसके ऊपर हम सेल कर रहे हैं, इसलिए हम और कोई चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। प्रोडक्ट टाइप क्या है, शर्ट्स हैं, तो यहाँ पर मैं शर्ट लिख देता हूँ, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। अब आपका अपना ब्रांड है या फिर आप डिफरेंट ब्रांड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो ब्रांड भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आपके स्टोर के ऊपर डिफरेंट ब्रांड आके आपकी चीज़ें अपनी चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड गीगा ही है तो गीगा ही लिख दें, या फिर आप नाइक की चीज़ें भी सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नाइक भी ऐड कर सकते हैं, और एडिडास भी करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब है सर आपकी कलेक्शन, कलेक्शन मतलब कैटेगरीज़। टी शर्ट ये किस लिए थी, मैन के लिए थी, लेकिन अभी तक हमने कलेक्शन ऐड नहीं की, जस्ट होम पेज ही है तो हम इसको होम पेज ही कर देते हैं। टैग ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, टैग में टी शर्ट है तो मैं यहाँ पर टी शर्ट ऐड कर देता हूँ, राइट। ऑनलाइन स्टोर में जो आपके टेम्पलेट है वो क्या है, तो वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है हमारी थीम का तो हम यही रखेंगे। अब चलें यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, जो ही हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर लिंक शो होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को देख भी सकते हैं कि किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट वो पब्लिश हो चुका है, और यहाँ पर हम इसको देखना चाहें तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखें हमने जो प्राइस रखी थी वो 431 थी, साथ हमने कंपेयर प्राइस कर दी 540 की, तो उसने ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगा दी। पिक्चर हमने एक ही ऐड की थी इसलिए हमें यहाँ पे एक ही पिक्चर दिखाई दे रही है। साइज़ हमने डिफरेंट ऐड किए थे इसलिए लेंथ मीडियम स्मॉल ये साइज़ हमें दिखाई दे रहा है।
कलर हमने ऐड किए थे, ये हमारे पास कलर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करेंगे बाय इट नाउ, तो हम इजीली इसको जो है वो सेल कर सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी और ये डिस्क्रिप्शन आपको सारी की सारी यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह हम अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल उनको जो है वो शॉपिफाई में ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से ही प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने एक्सेल शीट में ये सारी चीज़ें ऐड करके वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तब करते हैं जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, 1000 प्रोडक्ट हों तब हम करेंगे, और वो काफ़ी थोड़ा समय लें के कन्फ्यूजन वाला काम भी है। उसमें हमने पिक्चर्स को बहुत एहतियात के साथ रखना होता है, उनके लिंक वहाँ पे देने होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट यही है एज अ बिगिनर कि आप शॉपिफाई का जो मेन पेज है होम, उसका जो बैकएंड है, वहीं पे जाके ये सारे प्रोडक्ट को अपलोड कीजिएगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।